हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ये हमारे पास एक डेल का लैपटॉप आया है। इसका मॉडल क्या है, ये मॉडल इसका यहाँ पे लिखा रहता है बॉटम पे, इंस्पिरॉन 1440। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसकी बात करते हैं मॉडल के बाद हम, कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम इसमें आ रही है, हम मशीन ऑन करते हैं, हमारी मशीन ऑन हो जाती है, अभी बैटरी डाउन है तो हम चार्जर लगाते हैं, ये हम चार्जर लगा रहे हैं हमारा चार्ज। तो ये क्या हो रहा है, हमारी मशीन ऑन हो जाती है, चार्जर लगा के मशीन ऑन करते हैं, ये आप देखोगे हमारी मशीन ऑन हो गई है। डिस्प्ले भी हल्का आता है पर डिस्प्ले आ जाता है, ये डिस्प्ले आ गया है इस पर। तो डिस्प्ले आने के बाद थोड़ी देर बाद ये मशीन हमारी बंद हो जाती है। यदि हम इसे बैटरी पे भी यूज करें या चार्जर पे भी यूज करें, हमारी मशीन थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाती है, जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देखेंगे। ये आप देखोगे हमारी मशीन अब बंद हो गई है, चलते चलते ये बंद हो गई है हमारी मशीन। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब हम इसको चाहेंगे तो ऐसा करते हैं कि बैटरी निकाल के भी चेक कर सकते हैं, पर फिर भी इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको आपको लाइव दिखा देते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी आ रही है। बैटरी हमने निकाल के इसकी हम चार्जर पे ऑन करते हैं कि चार्जर पे क्या पता हमारी मशीन ऑन हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम उसकी वजह से भी आती है। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है, बैटरी हटा के चार्जर पे ऑन करें, उसकी वजह से भी होता है कभी कभी हमारी बैटरी वीक हो जाती है, वो लोड नहीं ले पाती है, उसकी वजह से भी हमारी ये मशीन बंद हो जाती है, जैसा अब ये चल रही है हमारी मशीन। यदि हम बात करें डेल इंस्पिरॉन 1440 मशीन कैसी होती है, ये 10 साल पुराना लैपटॉप है, पर ये लैपटॉप बड़ा अच्छा होता था उस टाइम का। इंस्पिरॉन की जो सीरीज आती थी इसमें वोस्ट्रो भी आती थी, पर ये डेल इंस्पिरॉन है तो ये सीरीज बॉडी अच्छी आती थी, इसकी हैवी ड्यूटी मशीन होती थी, बहुत अच्छी चलती थी। कि आज आप देख रहे हो 10 साल बाद भी ये चल रही है। इसमें हम रैम एक्सटेंड कर सकते थे, रैम की जगह एसएसडी का स्लॉट नहीं था तो साटा वाली इसमें हमने एसएसडी लगा सकते हो आप। मशीन बहुत अच्छी होती है यदि आपके पास ये मशीन है तो। मशीन हम कुल मिला के इसका ओवरऑल व्यू हम यदि करते हैं तो मशीन बड़ी अच्छी है। ये मशीन क्या होता था, मदरबोर्ड वगैरह इनके बड़े हैवी ड्यूटी होते थे, इनमें जो कंपोनेंट वगैरह लगते थे बड़े अच्छे लगते थे। इनकी स्क्रीन वगैरह, इसके हम इंच की बात करें तो इसके भी इसी इंच के, यदि हम डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन भी बड़ा अच्छा था कि ये टूटता, इसका टूटने में बड़ी वो होती थी कि इतनी जल्दी नहीं टूटता था। बॉडी की बात करें, बॉडी की जो प्लास्टिक की बात करें, कहीं से भी इसकी बॉडी नहीं टूटती थी, यानी बॉडी के मामले में भी ये मशीन बड़ी अच्छी थी। तो हम आते हैं अब लैपटॉप पे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो अब हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं हमारी मशीन फिर बंद हो चुकी है चार्जर पे भी। तो ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम अब इसके पहले तो हमने पहला स्टेप बता दिया कि आपकी यदि बैटरी खराब होगी तभी भी हमारी मशीन बंद हो जाती है। दूसरा इसमें क्या होता है कि यदि अब ये जब भी बंद हो रही है तो फिर ये इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, फिर हमारे स्विच वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो हम वही आपको दिखाते हैं कि इसका स्विच हम हटा के इसको ऑन करते हैं कि उसकी वजह से तो हमारी मशीन बंद नहीं हो रही है। स्विच हटाने के लिए सबसे पहले हम बैटरी हटाते हैं, बैटरी हम पहले ही हटा चुके हैं। फिर हम कीबोर्ड खोलते हैं, कीबोर्ड को खोलने के लिए इसमें थोड़ा लॉक होते हैं, लॉकिंग सिस्टम जो होता है वो इस टाइप से, कोई पतली चीज़ आप लोगे, नुकीली चीज़, और अपना सिस्टम को आप खोल दोगे, ये हमारा कीबोर्ड बाहर निकल जाता है। इसके नीचे हमारा इसमें स्विच होता है, ये जो स्विच है ये हम इसको अब क्या करते हैं, इसको हटा ही लेते हैं। और मशीन को ऑन कैसे करेंगे, मशीन को हम ऑन डायरेक्ट करेंगे। तो हम मशीन को अपनी डायरेक्ट ऑन करते हैं, डायरेक्ट होता है, हम मशीन के जो स्विच होते हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं, जो पिन होती है, ये हमारी मशीन डायरेक्ट ऑन होगी बिना स्विच के, स्विच हमने बाहर निकाला हुआ है इसका। तो हम इसको ऑन कर रहे हैं, अब देखते हैं कि हमारी मशीन फिर भी बंद होती है। यदि ये अभी भी बंद होगी तो अगला नेक्स्ट स्टेप इसका मदरबोर्ड का होता है, और सूरज कंप्यूटर हर प्रकार के मदरबोर्ड रिपेयर कर देते हैं, आपका कोई भी मदरबोर्ड हो किसी भी प्रकार का। ये आप देखोगे हमारी मशीन फिर बंद हो गई है। तो इसका नेक्स्ट लेवल जो है, जो इसमें प्रॉब्लम है वो मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि इसका मदरबोर्ड हम कैसे रिपेयर करते हैं। ओके, मदरबोर्ड खोलते हैं, थोड़े ये जो इसमें कनेक्शन वगैरह होते हैं सबसे पहले हम वो हटाते हैं, जो इसमें कनेक्शन वगैरह होते हैं, स्क्रूज खोलते हैं, और हमने अभी बात की थी कि हमारी मशीन ये 1440 जो है तो कैसी मशीन होती है, ये हम आपको बता चुके हैं, मशीन अच्छी होती है ये,
इतनी है, इनके मदरबोर्ड वगैरह अच्छे होते हैं, इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती हैं और यूज भी अच्छे से होती हैं। बॉडी की हमने भी बात की है कि बॉडी में भी प्रॉब्लम इसके बहुत ही कम आती है। बैटरी वगैरह इसकी बहुत हैवी चलती है, ये 15 आवर की इसकी जो डेल की बैटरी है ये बहुत अच्छी बैटरी है। इस मॉडल में ये जो बैटरी लगी हुई है ये बैटरी बहुत से मॉडल में भी लग जाती है और बैटरी बड़ी अच्छी है इसकी। इसका डिजाइन जो है मैग्नीशियम जो है इसको डिजाइन किया गया है, ये टूटती नहीं है मशीन। आप आजकल देखोगे, आप आजकल की जो मशीन आई हुई है वो बड़ा परेशान कर रही है, जरा सा भी झटका लगा बेस टूट गया, टॉप पैनल टूट गया, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। पर इसमें ये प्रॉब्लम, इस टाइप की भी ये प्रॉब्लम इसमें नहीं है। खोलना इसको बड़ा आसान है, इतना टिपिकल नहीं होता इस मशीन में, बड़ी इजी सिंपल मशीन है। यह देखोगे हमारी मशीन, हालत खराब है मशीन की, गंदी हो रखी है पूरी, जिस वजह से इसमें बोर्ड में प्रॉब्लम हुई है। हम आपको एक सजेशन और देते हैं अपने वीडियो के इस माध्यम से कि आपकी मशीन यदि गंदी है, यदि उसमें ये धूल मिट्टी इकट्ठी होगी तो हीटिंग का ज्यादा प्रेशर पड़ता है और हीटिंग की वजह से हमारी मशीन बहुत ज्यादा खराब होती है। तो हम आपको सलाह देते हैं कि 1 साल में 6 महीने में आप मशीन की सर्विस कराते रहें तो आपको बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये छोटे मोटे प्रॉब्लम सर्विस में ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं, पर जब ये इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी मशीन डेड हो जाए, नो डिस्प्ले हो जाए, जिस तरह ये बिहेव कर रही है, इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाए, तो इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता आपको ये है कि आप मशीन की 6 महीने में 8 महीने 1 साल में तो इसे एक सर्विस जरूर करा लें। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस पे मशीन पे आते हैं। ये इसका वाईफाई कार्ड है, ये इसकी वीजीए और डिस्प्ले केबल यहाँ पे लगी हुई है, ये इसका कनेक्टर है, इसमें कुछ 2 USB अलग से लगे हुए हैं। आप देखोगे ये बोर्ड है, बोर्ड पे केबल के थ्रू ये 2 USB गए हुए हैं। हमारा ऑडियो जैक भी मदरबोर्ड पे से दूसरे कार्ड के थ्रू गया हुआ है, ये जो ऑडियो जैक है इसका ये दूसरे कार्ड पे गया हुआ है। तो अब इसके मदरबोर्ड की रिपेयर होगी कि इसमें कहाँ फॉल्ट है, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।